नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास लगातार भिलाई के विभिन्न कॉलोनियों का निरीक्षण कर रहे हैं और कॉलोनी में कॉलोनाइजर्स के द्वारा की जाने वाली सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में कैलाश नगर के श्रीराम हाइट्स कॉलोनी में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सुविधाओं को लेकर कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी के कॉलोनाइजर के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं के बारे में रहवासियों एवं कॉलोनाइजर्स एसोसिएशन से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कचरा कलेक्शन के लिए सूखा कचरा एवं गीला कचरा कॉलोनी के द्वारा अलग अलग एकत्र किया जाए, कॉलोनी में गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने कार्य करें और सूखा कचरा को एकत्र कर एक साथ निगम के सफाई वाहन को प्रदान करें। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित। आयुक्त ने रहवासी संघ से चर्चा करते हुए कहा कि निगम द्वारा प्रदाय की जाने वाली जरूरी सेवाओं के लिए शिविर आदि की आवश्यकता हो तो इसकी व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी। भिलाई के लिए सभी कॉलोनियों के रहवासियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर उन्होंने मौके पर अधिकारियों को सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कॉलोनाइजर्स को निर्देश दिया है कि शर्तों के मुताबिक सभी कॉलोनी में रहवासियों को सुविधा प्रदान करें। देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो है कॉलोनियों का निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ पे जो भिलाई में है तो वो बहुत सारे ऐसे कॉलोनी हैं जिनको चिन्हांकित किया जा चुका है और इसके लिए एक विशेष टीम भी जो है माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में गठन किया गया है। इसके तहत में माननीय कमिश्नर साहब ने भी निगम के अधिकारियों को इसमें इन्वॉल्व किया है। स्वयं जो है कमिश्नर साहब ने कॉलोनियों का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है और अधिकारियों के साथ में उन्होंने श्रीराम हाइट्स जो है कॉलोनी वहाँ पर उसका निरीक्षण किया, जो कि मूलभूत सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए जो कॉलोनाइजर्स द्वारा वहाँ पर प्रदाय की जाती है कॉलोनी में, उसको लेकर के जो है निरीक्षण है। वहाँ पे सुविधाएं हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई है, गार्डन है, सौंदर्यीकरण है, रोड की कनेक्टिविटी है, इस तमाम चीज़ों को जो है निरीक्षण किया जा रहा है और इसके हिसाब से रिपोर्ट बनाकर निश्चित रूप से अभी प्रारंभिक तौर पर जो बातें आई हैं उसमें शर्तों के मुताबिक जो कॉलोनाइजर्स जो कॉलोनी डेवलपमेंट करते हैं और उसमें जो सुविधाएँ वैध कॉलोनी में होनी चाहिए वो उसको लेकर के जो है वो बड़ा अभियान एक चल रहा है और निश्चित रूप से जो प्रोसेस है नियम अनुसार वो की जाएगी। निगम प्रशासन अपील करता है कि घरों के सामने खाली स्थान पर दो पौधे अवश्य लगाएं, इससे हरियाली का दायरा बढ़ेगा और वातावरण में शुद्धता बनी रहेगी। छांव मिलने के साथ ही प्रदूषण मुक्त करने में भी यह कारगर साबित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।